18 गेंदे हैं, 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नगर सेवक इंद्रजीत गुजर मित्रमंडल मित्र परिवार की तरफ से एक अच्छा टूर्नामेंट भाई गुजर चषक 2022। बैकफुट चले गए, हुक जरूर किया है, पैगंबर ने लिया कैच, विजय को मिली सफलता और बल्लेबाज इस वक्त बैक टू द पैवेलियन जाते हुए, खास करके शपिक गॉन बड़ी। अखाड़ा सजेगा, अखाड़ा झूप उठेगा एक बार फिर, ये पूरा अखाड़ा बीच मैदान पर बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली। नए बल्लेबाज गणेश मैदान के अंदर आए हैं, समीकरण आपको जरूर बताऊंगा। अभी भी 17 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। व्हाइट बॉल के बाद विकेट आया है और बल्लेबाज शपिक बैक टू द पैवेलियन चले गए। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए गणेश, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजय पावली गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर दो खिलाड़ी इस वक्त दायरे के अंदर, एक पॉइंट पर उसके साथ एक एक्स्ट्रा कवर पर। क्लीन बॉल, सौ सोनार की एक लोहार की, चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज गणेश आए, बल्लेबाज गणेश चले गए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, हैट्रिक वन। दे तो बाउंसर से परेशान किया, हैट्रिक और क्या दूसरी हैट्रिक हो जाएगी। अमोल ने पहला जो कि कारनामा किया था, हैट्रिक पूरी की थी, लगातार दो झटके दिए हैं। ओ बल्ला तो जरूर घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ और रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी, यह बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है राज काजी के लिए। बिंदी गेंद, व्हाइट बॉल, दो विकेट, उसके बाद में बिंदी गेंद, सदी भी गेंदबाजी विजय पावली द्वारा सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस पर कौन साइड पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, विजय पावली के लिए सफलता मिलती भी इस बाजी में। राज काजी जान नहीं डाल पाए हैं, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है इस मैच में। के वापसी का बिगुल बजाते भी, सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय विजय पावले। क्रिकेट के जो लाइव अपडेट, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो जिस तरह से विकेट ले रहे हैं, पिछले चार गेंदों की कहानी देखें
तो 3 विकेट चटकाए हैं। विजय पावले ने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। विजय ने कहा, रंग भरने के लिए हम भी हैं तैयार। इस मैच में आया पलटवार, इस ओवर में बहुत ही अच्छा खेल, अच्छी गेंदबाजी और पलटवार लेके आए हैं। मैच में रंग भरने के लिए तैयार है गेंदबाज। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है। चेतन के ऊपर सबसे जो कि बड़ी जिम्मेदारी है, एक जबरदस्त खिलाड़ी यह भी है, विकास ऑन स्ट्राइक। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 24। अपील जरूर किया गया तो एक बार फिर उंगली खड़ी होती हुई विजय पावले ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। 4th विकेट इस ओवर में, विकास आए, विकास चले गए। जो इनका डेब्यू हुआ था ना पाकिस्तान के खिलाफ, 4th गेंद पर इन्होंने विकेट लिया था, 5वीं गेंद पर इन्होंने विकेट लिया था, 6ठी गेंद पर इन्होंने विकेट लिया था। क्या वही कारनामा एक बार फिर मैदान के अंदर विजय करने वाले हैं? इरफान पठान का डेब्यू बहुत कमाल का रहा था भारतीय टीम के लिए। तब लग रहा था, सब लोग कह रहे थे कि भारतीय टीम के लिए कपिल देव निकंज के पास एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है, लेकिन निरंतरता नहीं रख पाए। कुछ अच्छी बल्लेबाजी जरूर की इन्होंने प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर या 3rd नंबर पर इरफान पठान ने। विजय पावले भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है और दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। अक्षय मैदान के अंदर नंबर 7 पर, एक तरफ चेतन कालेंगे, दूसरी इन पर इंतजार कर रहे हैं। आपके पास 13 गेंदे हैं, जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। कीर्तिमान के दहलीज पर विजय पावले, स्टोक का 54 पर खेलते हुए इस वक्त खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर। 1 रन का इजाफा, अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विजय पावले द्वारा। अक्षय रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और आपके पास अभी भी देखें यहां से 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों में 35 चाहिए। चेतन कालेंगे क्या एक विस्फोटक इनिंग इस मुकाबले में खेलेंगे, क्या एक अच्छी पारी आएगी, बहुत सारे सवाल आपके मन में है। 12 गेंदे शेष है,